गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, पावर शेयरिंग का टॉपिक फर्स्ट, बेल्जियम एंड श्रीलंका पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। जो बेल्जियम एक यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, जिसका एरिया हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ से भी कम है, लगभग हमारे हरियाणा राज्य की पॉपुलेशन से आधी। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉलर कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। अनदर 40% पीपल लिव इन द वोलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रांच। रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियन स्पीक जर्मन। यहाँ की जो एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन मतलब होता है जाति बनावट, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कठिन है। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन, इस कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल्स हैं वो वोलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। रिमेनिंग 1% बेल्जियन जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रांच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, जहाँ पर 80% पीपल्स जो हैं फ्रांच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% डच लैंग्वेज को बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषी लोग हैं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है, रिच एंड पावरफुल है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मोर लेटर। बहुत बाद में जाकर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास और शिक्षा का जो लाभ पाने वाले डच भाषी लोग थे, वो इस स्थिति को देखकर नाराज थे। दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रांच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। इसके चलते ही 1950 और 1960 के बीच में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच में तनाव बढ़ने लगा या टेंशन्स क्रिएट होने लगे। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। इन दोनों कम्युनिटीज़ का जो टेंशन था या टकराव था, सबसे तीखा रुख हमें ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल से है, वहाँ देखने को मिला। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, एक विशेष तरह की समस्या दिखी। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूएट अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और संपत्ति के मामले में कमजोर और अल्पमत थे, कम थे, माइनॉरिटी में थे। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। आइए अब हम इस स्थिति की तुलना एक और अन्य देश से या अन्य कंट्री से करते हैं, श्रीलंका। श्रीलंका इज आइसलैंड नेशन। श्रीलंका एक आइसलैंड नेशन है जो तमिलनाडु के दक्षिण की ओर कुछ किलोमीटर पर स्थित है। श्रीलंका इज एन आइसलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। इसकी आबादी जो है करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा जो हमारा स्टेट है उसके लगभग बराबर। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम इन हरियाणा। लाइक अदर नेशन इन अ साउथ एशिया रीजन, दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह ही श्रीलंका की जो पॉपुलेशन हैं कई एथनिक ग्रुप्स में है या कई जाति समूह के लोग वहाँ हैं।
श्रीलंका हैज डाइवर्स पॉपुलेशन, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंहला स्पीकर, जो वहाँ सामाजिक समूह हैं, द मेजर सोशल ग्रुप्स जो हैं वहाँ का वो सिंहला स्पीकर्स है जो कि 74% है, एंड द तमिल स्पीकर्स 18%, और जो तमिल बोलने वाले हैं वो क्या हैं 18% हैं। अमंग तमिल्स देर आर टू सब ग्रुप्स, तमिल्स भी दो ग्रुप्स में डिवाइड हैं, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री और कॉल्ड द श्रीलंकन। तमिल में भी दो ग्रुप्स हैं, श्रीलंकाई तमिल्स जो कि वहाँ रहने वाले हैं, वहीं रहते थे, और दूसरे हैं इंडियन तमिल्स जो कि कॉलोनियल पीरियड में जो बगानों में काम करने के लिए भारत से ले जाए गए थे, उनको बोला गया है इंडियन तमिल्स। जो मैक्सिमम सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले थे वो बौद्ध थे, तमिल लैंग्वेज बोलने वाले जो थे, तमिल भाषी लोग थे, उनमें कुछ हिंदू और मुसलमान थे। श्रीलंका की जो आबादी थी उसमें ईसाई लोगों का भी हिस्सा था जो कि 7% था, जो सिन्हाला और तमिल दोनों ही भाषाएं बोलते थे। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, बेल्जियम एंड श्रीलंका। थैंक यू।